गाइज, आज मैं आपको जो बैटल रॉयल गेम दिखाने वाला हूँ उसके ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं, और साथ में इसकी एक अलग सी खासियत है कि ये गेम फ्री फायर पबजी का बच्चा है। इसका नाम है सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड 2, और ये गेम काफ़ी छोटी है, मतलब बस 270 MB की गेम है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गेम में जो कंटेंट है वो आधा फ्री फायर का यूज़ किया है और पबजी का भी यूज़ किया गया है। तो मैं ये आपको अभी गेम के साथ दिखा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके ग्राफिक्स में जो प्लेन है वो बहुत ही स्मूथ दिखाया गया है। इसकी लैंडिंग में भी बहुत अच्छी तरह से क्रिएटिविटी दिखाई गई है, साथ ही साथ इसका मैप भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। और देख सकते हैं मैप में जो प्लेसेस वगैरह है वो भी ठीक ठाक है, मतलब इतने अच्छी तरह से है ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि काफ़ी कुछ लाइन में अलाइन किया गया है तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, इसके टेक्सचर वगैरह बहुत सही दिया गया है। वैसे मैं घर के ऊपर लैंड हुआ हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ नीचे लूट करके। और मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ये गेम फ्री फायर और पबजी का बच्चा है, मतलब उन दोनों गेम का कॉम्बिनेशन है। तो रियलिटी में आपको दिखा देता हूँ, ये जो सामने सभी के सभी घर है वो आपने फ्री फायर में कहीं ना कहीं पे देखे होंगे, और जब आप देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये सभी के सभी घर फ्री फायर में यूज़ हो चुके हैं। हालांकि फ्री फायर के अंदर इसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, लेकिन इस गेम के अंदर ये सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर दिए हैं, पर बाकी का पूरा घर वैसे के वैसे आपको जैसे के तैसे यहाँ देखने को मिलेगा। और बाकी जो गन का टेक्सचर वगैरह है, नाम वगैरह है, वो सिमिलरली फ्री फायर में जैसे के तैसा यूज़ होता है वही यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और इसके कस्टम एचयूडी के जो बटन्स है और गेम प्ले स्टाइल है वो पूरा का पूरा पबजी का कॉपी किया गया है, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये गेम पूरी तरह से पबजी और फ्री फायर का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं नूब हूँ, और एक एनिमी है जो रियल प्लेयर है, उसका नेट चला गया है शायद से, लेकिन फिर भी मैं उस पर एम नहीं लगा पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर हेड पे नहीं एम जा रहा तो मैं पैरों पे ही मार देता हूँ, और ये मर गया। वैसे गाइस, इस गेम में आपको मिनी मैप और फुल मैप में एनिमीज इजीली दिख जाएंगे, तो इसकी मदद से आप किसी भी एनिमी को इजीली ढूंढकर मार सकते हो। वैसे इसका कस्टम एचयूडी है वो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे होता है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो मैं वैसे भी नूब हूँ तो मुझे ये वैसे भी जम नहीं रहा। वैसे ये गेम इतने MB की होकर भी इसमें बहुत सारे बग्स और ग्लीचेस है, जैसे कि आपका फ़ोन ये गर्म कर सकती है, और काफ़ी ज़्यादा हाई FPS पे चलाने के बाद ये गेम अपने आप क्रैश हो जाती है, और गेम खेलते वक्त ये थोड़ी सी लैग भी कर जाती है, और भी बहुत सारे ग्लीचेस है इसमें। लेकिन इसका टेक्सचर और डिज़ाइंस वगैरह बहुत सही है, जैसे कि आपको प्लेन में दिखा था उसी तरह से इस गाड़ी का भी टेक्सचर है, और तो और बाकी बहुत सारे इसमें ग्लीचेस है, लेकिन ये गेम काफ़ी सही मैं बोल सकता हूँ। लेकिन गेम डेवलपर्स को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे कि वहाँ ऊपर एक एनिमी छिपा है, शायद से वो बॉट हो सकता है, क्योंकि वहाँ ऊपर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं इसे दूसरे साइड से मारने की कोशिश करता हूँ, वो भी स्कोप ओपन करके, और इसको शायद से, अरे मिर्गी का दौरा पड़ रहा है क्या इसको, तो ये मारा मैंने उसको हेडशॉट। अरे कुछ नहीं हुआ, अरे मेरा नेट स्लो था क्या। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये फ्री फायर और पबजी का बच्चा कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।